गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। बची कुची कसर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर कोरोना वायरस ने तोड़ कर रखती है। इस बीच उसके सबसे बड़े दाता सऊदी अरब और यूएई ने अपने कई बिलियन डॉलर के कर्ज को वापस मांग लिया है और पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में इमरान खान की हेकड़ी निकल गई है और वो कर्ज माफी के लिए भीख मांगते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान लंबे समय से कंगाली की मार से जूझ रहा है। बिगड़ते हालातों के बीच भी अब तक इमरान खान लगातार और देशों से पंगे लेते आए और सभी को अपने खिलाफ कर लिया। जो देश कभी पाकिस्तान की मदद के लिए पीछे नहीं हटते थे, वो आज पाक के बदतर हालातों में भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान को लाख मौके देने के बावजूद भी वो नहीं सुधरा। ऐसे में अब जब पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है, तो इमरान खान की सारी अकड़ बाहर आ गई है। इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक कम आय वाले और सर्वाधिक प्रभावित देशों के लिए ऋण अदायगी को निलंबित कर दिया जाए, साथ ही अल्पविकसित देशों की देनदारी को निरस्त कर दिया जाए। कंगाल पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियां महामारी के कारण और बढ़ गई है। इसके अलावा इमरान खान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF समेत वैश्विक निकायों से आर्थिक मदद की व्यवस्था कर रही है ताकि संकट से उबरा जा सके। COVID-19 पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में तत्काल कार्रवाई के लिहाज से 10 सूत्रीय एजेंडा को पेश करते हुए खान ने उन कदमों पर जोर दिया जो खान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे समय में उठाने चाहिए। ये दो बिंदु खान की सूची में से ही हैं। इमरान खान की हालत ऐसी इसीलिए हो गई है क्योंकि कर्ज अब खान के गले की फांस बनता जा रहा है। जब से इमरान खान प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान का कर्ज और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल बढ़कर 37,500 अरब पाकिस्तानी रुपए या GDP का 90% हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सिर्फ इस साल ही कर्ज चुकाने पर 2,800 अरब रुपए खर्च करेगा, जो संघीय राजस्व बोर्ड के अनुमानित कर संग्रह का 72% है। 2 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार में आई थी, तब सार्वजनिक ऋण 24,800 लाख करोड़ रुपए था, जो तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर किए गए बर्ताव से नाराज होकर मई में ही अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए 6.2 बिलियन डॉलर का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें 3 बिलियन डॉलर की नकद सहायता शामिल थी, जबकि बाकी के पैसों की एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। अब पाकिस्तान से वो वापस मांगी जा रही है। अब तक चीन से कर्ज लेकर पाक ने सऊदी को उसका कर्ज चुकाया था और अब भी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान बाकी का कर्ज चुकाने के लिए भी चीन की ही शरण में जाने वाले हैं। इमरान खान की सारी अकड़ धरी की धरी ही रह गई। चीन के दम पर ऐंठने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सारी हेकड़ी निकल गई और आखिरकार उन्होंने अपने कर्ज को माफ किए जाने के लिए भीख मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि इमरान खान को अब ये बात समझ में आ गई है कि उनके सत्ता में आने से पाकिस्तान किस तरह से बर्बाद हो रहा है। इसके बाद इमरान खान की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।